hello students good morning to all of you so students today we are going to start lesson number 29 from your english grammar and in this chapter we are going to learn about the omissions editing omissions in our yesterday session we did editing errors both are quite similar but only little bit differences there in yesterday's chapter you had to find out the errors from the given passages, and in our today's passages, the words are missing. कल जो हमने चैप्टर किया था उसमें आपके पास जो वर्ड्स दिए हुए थे वो यहाँ पैसेज के अंदर दिए हुए थे आपको वो फाइंड आउट करके जो राइट right वर्ड्स थे उनकी जगह पे उनको लिखना था बट आज के जो हमारे पैसेज हैं इनके अंदर आपको करेक्ट वर्ड फाइंड आउट करना है मींस इसमें कोई एरर नहीं है जिसको आपने करेक्ट करना है इसमें आपको करेक्ट वर्ड्स जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे ये चीज आनी चाहिए उसको आपको राइट करना है जैसे ये देखिए सी द पुलिस मैन इज इम्पॉर्टेंट सो देर मस्ट बी एन आर्टिकल बिफोर इम्पॉर्टेंट सो सी इज एन इम्पॉर्टेंट ओके सो मीन्स इन द पैसेज गिवन बिलो वन वर्ड हैज बी ओमिटेड इन ईच लाइन हर वर्ड हर लाइन में से एक वर्ड जो है वो मिसिंग है निकाला हुआ है राइट द मिसिंग वर्ड अलॉन्ग वर्ड्स दैट कम्स बिफोर एंड आफ्टर अगेंस्ट द मिसिंग करेक्ट ब्लैंक नंबर द फर्स्ट वन हैज बिन डन इज एन एग्जाम्पल तो हमने हर लाइन में से उस वर्ड को जो अमिट किया हुआ है जो निकाला हुआ है उसको फाइंड आउट करना है और उसको यहाँ पे लिखना है उससे पहले वाला और उसके बाद वाला दोनों ही वर्ड्स हमने साथ में लिखने हैं ओके सो ट्राई टू डू दिस योर सेल्फ ओके टोटल थ्री पैसेजेस आर गिवन हेयर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ओके Thank you.